सर मैंने भी लॉ कंप्लीट करने के बाद एक सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी की जो पद होती है उसके एग्जाम मैंने भी निकाल चुका है जी। बट वो 2021 में फॉर्म डाला था, 2022 के दिसंबर में एग्जाम हुई, 2023 की जनवरी में रिजल्ट आया और अब 2024 के फरवरी में उसका इंटरव्यू दिया गया है। ये मध्य प्रदेश की स्थिति है। 3 साल से एक एग्ज़ाम के पीछे अगर इंसान रहेगा तो उसकी एज का क्या होगा। आज ये बोलते हैं कि एज लिमिट इन का निश्चित होता है, ऐसे में जो मेरे पास तो आज फिलहाल एज है बट मेरे 2-4 दोस्त हैं जो लगभग 35-36 के आसपास थे, वो ऐसी ही बाहर हो जाना है। ये इस देश में मंदिरों की कोई आवश्यकता नहीं है, मंदिरों के बजाय शिक्षा की मंदिर अगर ज़्यादा खुले तो हम मानेंगे कि विकास हुआ है। मंदिरों से क्या विकास हुआ, मंदिर सिर्फ पूजने के लिए होती है, उनसे कोई विकास नहीं है, इंसान को कोई रिश्ता नाता नहीं। मैं नहीं मानता कि मंदिरों के भरोसे किसी समाज का विकास हो, वो अगर किसी का होता हो तो शायद होता हो, मुझे तो नहीं पता, बट अगर उसी मंदिर के अगर शिक्षा के मंदिर अगर बनाए जाए तो मैं मानूंगा कि बहुत विकास होता। और हम आ गए हैं एक गांव में, ये वाराणसी क्षेत्र का गांव है, देखते हैं ये कौन सा गांव है और यहाँ पर जो लोग हैं। यहाँ हम एक घर में, घर के सामने पहुंचे, देखिए यहाँ कुछ चिन्ह बना हुआ है ये, और ये आदिवासियों का बड़ा देव का जो ये है ना, ये निशान है ये, और ये निश्चित रूप से ये आदिवासी गांव होगा या फिर आदिवासी गांव का कोई टोला होगा। इस तरफ जो है गांव के छोटे छोटे भाग को टोला कहा जाता है, और ये जो चिन्ह बना हुआ है ये आदिवासी जो बड़ा देव है ये उनका निशान है। ये निश्चित रूप से यहाँ आदिवासी का ही ये मकान होना चाहिए, और काफी कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ देखते हैं, और यहाँ इस तरफ में मुर्गियाँ हैं, मुर्गियों, और इधर कुछ ये पशुधन भी यहाँ पे नजर आ रहा है। ये किसान का घर है और कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे बात करते हैं हम, यहाँ पे काफी सारे लोग यहाँ हैं। कौन सा गांव है ये? मलम टोला सर। अजी? मलम टोला। मलम टोला, हाँ मलम टोला, ये किस गांव का टोला ये है? ये ग्राम पंचायत हमारी मंगझरी पड़ती है, छोटा सा टोला ग्राम है हमारा मलम टोला। अच्छा जी, ये घर के सामने मुझे एक चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये मेरे ढेल के सामने है। मेरा नाम है पुन्नु सिंह कुमरे, और क्या है मैं गोंडवाना के प्रति तो बहुत इच्छित हूँ, और क्या है ये चीजें जो हमारे आदि पुरुषों से मिला हुआ है हमको सिंबल, तो हम इसको आगे तक के लेकर जाएंगे, तो हमारे भी जो आने वाला जनरेशन है वो भी हमको आगे तक के पहुँचाएगा सर। अच्छा, ये धार्मिक चिन्ह है कोई? हाँ धार्मिक है। अच्छा। ये हमारे पूर्वजों का है पूरा, और जो हमारा जो सिंबल है जिसको पूछते है वो हमारा सिंबल है। अच्छा, आदिवासी समाज का। आज इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, कुछ खास प्रयोजन है आज, कोई त्योहार क्या है? हाँ मेरा आज जो हम गोंडवाना को पूछते हैं और जो आदि संगति होती है, जो पूर्वज इंस्पायर हो जाते उसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे नवा बोलते हैं और बाकी लोग श्राद्ध मनाते हैं, तो हम नवे के रूप में यानी उनका नया पूर्वज हो यानी अब उसके बारे में तो अपन एक ही बीट जानते हैं कि जो इंस्पायर हो गए तो उसको अपन नई चीज से अपन फिर जो पुनर्जीवित करे, हाँ पुनर्जीवित करे, उसके बाद में जैसे हमारे जब हम इंस्पायर हो गए तो जो हमारे छोटे बच्चे हैं तो भी हमारे साथ में वो रीति रिवाज को निभाए। हाँ ये गोंडवाना का एक पूर्वज होता है। अच्छा, तो ये आदिवासी गांव है पूरा या फिर सिर्फ कुछ? यहाँ पे सर, यहाँ पे जो हमारा जो आधा आधा से 70% जो हमारा गांव होता है ये आदिवासी होता है, तो यहाँ पे सभी लोग उसी प्रकार से मनवाते हैं यहाँ पे, ये जो हम जो मना रहे हैं। अच्छा, ये चीजें। तो ये सारे लोग जो आज इकट्ठे हुए हैं ये उस त्योहार के लिए इकट्ठे हुए हैं? हाँ सर। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे जो आप लोग रह रहे हैं, यहाँ ये बहुत बड़ा सा एक बाड़े जैसा मकान मुझे दिख रहा है।
जी और खेती निश्चित रूप से करते होंगे क्योंकि जिस हाँ, प्रकार की चीजें दिख रही हैं उससे लग रहा है कि आप किसान भी हैं। हाँ सर, मैं किसान भी हूँ और एक बिजनेसमैन भी हूँ। अच्छा, बिजनेसमैन भी है। जी, कैसे कैसा बिजनेस? हाँ, मेरा बिजनेस नहीं, हेल्थ अवेयरनेस वाला है सर। अच्छा, वहाँ पे मैं 16 से जॉइनिंग हुई मेरी, आज अच्छा खासा मेरे माध्यम से समथिंग 300 से 400 लोगों परिवार के माध्यम, मेरे माध्यम से उनकी रोजी रोटी चल रही है। आपने पढ़ाई कर ली? हाँ सर, मैंने लॉ कंप्लीट करके रखा है। लॉ कंप्लीट, क्या नाम है आप? सर, निहाल टेकाम। निहाल टेकाम, तो आपने जो पढ़ाई की है यहाँ वाराणसी में या यहाँ पर, कहाँ कहाँ? सर, पीजी कॉलेज बालाघाट से किया है मैंने लॉ कंप्लीट। पीजी कॉलेज बालाघाट में, यहाँ और भी बच्चे लोग पढ़े लिखे हैं सर? होंगे सर, हमारी एज के तो मुश्किल से 4 या 5 लोग ही है जो कॉलेज तक पहुंच पाए हैं। अच्छा, बाकी अभी की जो जनरेशन है, अभी जो बच्चे हैं लगभग जो 8th 10th वाले, वो पढ़ रहे हैं। अच्छा, नौकरियों में यहाँ से कितने लोग हैं? नौकरी में सर, नौकरी में तो मुश्किल से 3 से 4 लोग हैं इस पूरे गांव में। जी, इस टोले में या पूरे मंगे? सर, इस टोले में मात्र 3 से 4 लोग हैं। 3 से 4, मतलब कौन सी नौकरियां ज्यादा है? सर, यहाँ पर एक भैया है जो स्टेनोग्राफर हैं, और एक भैया सिविल इंजीनियर हैं, और बाकी टीचर थे बड़े पापा, तो वो रिटायर हो गए हैं। शिक्षा की क्या सुविधा है यहाँ पर? सर, शिक्षा की सुविधा तो अभी थोड़ी हुई है, मंगेजरी पंचायत में हाई स्कूल तक आए हैं, बाकी फिर कॉलेज के लिए और 12th के लिए वाराणसी जाना पड़ता है यहाँ से, जो लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर है। अच्छा अच्छा, ये बताएं, और बाकी जो सुविधाएं, जो मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं, सड़क होती है, पानी होता है, बिजली होती है ना, और भी जो चीजें होती है, क्या यहाँ पे उपलब्ध? हाँ सर, सड़क तो है, पानी की सुविधा, अभी नल जल योजना अभी जस्ट चालू हुई है 1-2 मंथ से, इससे पहले बहुत दिक्कतें थी पानी के मामले में, और बिजली तो अभी है पर्याप्त तो। अच्छा, बाकी बेरोजगारी चरम सीमा छू चुकी है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा है सर, नौकरियां नहीं मिलती है, नहीं है, भ्रष्टाचार आती है। आज देखा है आपने व्यापम घोटाला? हाँ। मेरे गांव के मेरे छोटे भाई जिन्होंने अभी फिलहाल ही पटवारी में हाँ। की एग्जाम निकाला था हाँ। वही, बट कुछ लोगों के 15-15 लाख देने के कारण उनकी मेहनत बर्बाद हो गई। जी, तो क्या मतलब पटवारी परीक्षा में बहुत ज्यादा पैसा चला है? ये दर्शकों आपको बता दें कि हाल ही में मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती की एक बड़ी परीक्षा हुई थी, और बहुत सारे लोगों ने इसमें फॉर्म भरा था, बहुत सारे लोगों ने इसमें परीक्षा दी थी, लेकिन बाद में ये घोटाला सामने आया और शिकायत हुई, जहां पर जांच के बाद ये पता चला कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो पैसे देकर, जिनके केंद्रों पर विशेष व्यवस्थाएं की गई थी, जिसमें बालाघाट के भी 1-2 केंद्र हैं जहां पर विशेष व्यवस्था करके उन्हें पास करवाया गया था। बताया गया कि 15-15 लाख लोग जो है इनसे लिए गए थे, तो ये एक बड़ा घोटाला, एक बड़ा भ्रष्टाचार जो है ये सामने आया था, और ये इस वक्त की सबसे बड़ी जो खबर है वो रही है। हालांकि इसके बाद इलेक्शन आ गए तो ये खबर थोड़ी सी दब जरूर गई है, थोड़ा कमजोर पड़ी है, लेकिन ये बहुत बड़ा आंदोलन जो है, पटवारी जो भर्ती जिन्होंने दी थी वो लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं, और जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके साथ भी, इनके परिवार में भी जो है ये घटना हुई है, उनको भी इसका नुकसान पहुंचा है। तो क्या कहना चाहेंगे, ये जो स्थितियां हैं, पहले भी व्यापम में हुआ था और उसके बाद फिर ये बड़ा एक भर्ती घोटाला, इस बीच में बहुत लंबा समय तक भर्तियां ही नहीं हुई, कोरोना का एक लंबा समय रहा। हाँ सर, ये तो है कि भर्तियां बिल्कुल नहीं हुई, बेरोजगारी चरम सीमा छू चुकी है, और वैकेंसियां तो कहीं आके खड़ी है बट हो नहीं पा रहा है कि उनकी प्रक्रिया पूरी। सर, मैंने भी लॉ कंप्लीट करने के बाद एक सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी की जो पद होती है उसके एग्जाम मैंने भी निकाल चुका है, बट वो 2021 में फॉर्म डाला था, 2022 के दिसंबर में एग्जाम हुई, 2023 के जनवरी में रिजल्ट आया, और अब 2024 के फरवरी में उसका इंटरव्यू दिया गया है। ये मध्य प्रदेश की स्थिति है, 3 साल से एक एग्जाम के पीछे अगर इंसान रहेगा तो उसकी एज का क्या होगा? आज ये बोलते हैं कि एज लिमिट इनका निश्चित होता है, ऐसे में जो मेरे पास तो आज फिलहाल एज है, बट मेरे 2-4 दोस्त हैं जो लगभग 35-36 के आसपास थे, वो ऐसी ही बाहर हो जाना है। ये तो ये जो निश्चित समय में ये प्रक्रियाएं पूरी हो तो
ज्यादा अच्छा होगा। निश्चित समय में प्रक्रिया अगर पूरी हो तो इसका जो विद्यार्थी है उसको उसका फायदा मिलता है, वरना वो एज बार हो जाती है, ये स्वाभाविक बात है। और बहुत ही बहुत बड़ा और गंभीर मुद्दा आपने उठाया है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में ये स्थितियां बहुत लंबे समय से हैं। क्या कहना चाहेंगे इस सरकार के कामकाज को लेकर? सर, सरकार तो बेरोजगारी के मामले में बिल्कुल फेल है और शिक्षा का स्तर भी उतना खास तो नहीं रहा है। बाकी सड़क पानी की व्यवस्थाएं अभी फिलहाल अच्छी हैं, बाकी मैं तो उतना संतुष्ट नहीं हूं सरकार से। अभी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और चारों तरफ इसकी सरगर्मियां चल रही हैं, लोग अपने अपने वादे कर रहे हैं, अलग अलग तरह से प्रलोभन भी हैं, कहा जा रहा है कि प्रलोभन दिया जा रहा है। अभी जो है आप नाखुश हैं, बहुत नाराज हैं, युवा हैं, इसके बावजूद जो है ये बताएं कि जब मंदिर बन रहा है, लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है, लाडली बहना योजना चल रही है, मुफ्त का अनाज दिया जा रहा है, फिर भी आप नाखुश? सर, इस देश में मंदिरों की कोई आवश्यकता नहीं है। मंदिरों के बजाय शिक्षा के मंदिर अगर ज्यादा खुले तो हम मानेंगे कि विकास हुआ है। मंदिरों से क्या विकास हुआ? मंदिर सिर्फ पूजने के लिए होती है, उनसे कोई विकास नहीं है। इंसान को कोई रिश्ता नाता नहीं। मैं नहीं मानता कि मंदिरों के भरोसे किसी समाज का विकास हो। वो अगर किसी का होता हो तो शायद होता हो, मुझे तो नहीं पता। बट अगर उसी मंदिर के अगर शिक्षा के मंदिर अगर बनाए जाए तो मैं मानूंगा कि बहुत विकास होता। और रही लाडली बहना और जो लाडली लक्ष्मी योजना, तो लाडली लक्ष्मी योजना तो ठीक है, बट जो लाडली बहना योजना जो अभी आई है ये सरकार का एक लॉलीपॉप योजना है। क्योंकि ये होता 18 साल से आप सत्ता में हैं और मात्र आप चुनाव आने के 2-3 महीने पहले अगर ये योजना ला रहे हैं तो इसको लॉलीपॉप से कम नहीं कहा जा सकता। अच्छा, इसको आप लॉलीपॉप मानते हैं, मतलब ये प्रलोभन है सिर्फ वोट बटोरने के लिए। तो इससे महिलाएं प्रलोभित होने वाली हैं? सर, शिक्षित महिलाएं तो बिल्कुल प्रलोभित नहीं होंगी। बाकी जो कुछ महिलाएं हैं जो बहकावे में आ जाती हैं तो वो शायद बहकावे में आ सकते हैं, वो शायद बहकावे। और जो युवा है उनका क्या रुख है इस बार? सर, युवा तो बिल्कुल परिवर्तन के मूड में है और परिवर्तन भी ऐसा कि हमने 20 साल बीजेपी को देखा है सरकार में और उसके पहले जब हमारा तो जन्म नहीं हुआ था 56 साल कांग्रेस ने भी राज किया है। हम जब पैदा हुए थे उस टाइम तक कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में रही है। हमने आखिरी चरण जो था उसका वो देखा था। उस टाइम में तो हम जब लगभग सेकंड थर्ड क्लास में थे, गाँव में मात्र 2-3 घंटा बिजली रहती थी। वो तो अति बुरे दिन थे कांग्रेस के, जो थे अति बुरे दिन थे। उसके बाद बीजेपी आई, थोड़ा बहुत कुछ किया है बाकी, बट इससे भी हम उतना संतुष्ट नहीं है। इससे भी संतुष्ट नहीं है तो फिर क्या बचता है? सर, इस बार हम तीसरे मोर्चे की तरफ जाना चाहेंगे। बीजेपी ना हमको, ना बीजेपी चाहिए ना कांग्रेस चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो उम्मीदवार भी है वो भी एक दल बदलू उम्मीदवार है। अच्छा, दल बदलू मतलब? सर, अभी जो वर्तमान विधायक हम बोल सकते हैं, पहले ये कांग्रेस में थे, 15 साल इन्होंने कांग्रेस से विधायक रहे हैं। उसके बाद ये पिछला चुनाव इनको टिकट नहीं मिली तो ये निर्दलीय हुए हैं। फिर इनके साथ जो अभी कांग्रेस के दूसरे प्रत्याशी हैं विक्की पटेल, ये इनका पूरा सपोर्ट किया उस 2018 के चुनाव में। 2018 के चुनाव में उन्होंने इनका पूरा सपोर्ट किया और आज वो बोलते हैं कि जो बीजेपी का उम्मीदवार है वो गद्दार है। मैं तो मानता हूं कि दोनों ही गद्दार है, क्योंकि उनको छोड़ के पुनः कांग्रेस में गए। 2018 में जब कांग्रेस थी तो आपने उनका सहयोग नहीं करे, तो आप किस अपनी ईमानदारी का परिचय दे रहे हैं? ये मैं कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उनके लिए ये बोल रहा हूँ। तो कौन बचा, मतलब आप निर्दलीय? सर, मैं तो इस बार बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो गठबंधन हुआ है उसके जो प्रत्याशी है श्री अजब शास्त्री जी, उनको मतदान करने का सोचा है। क्या कारण है? सिर्फ इसलिए कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का समर्थन है, सिर्फ इस वजह से कि और कोई वजह है? नहीं सर, ये नहीं, क्योंकि पहली बात देखा जाए तो उम्मीदवार हम ऐसा चाह रहे हैं कि जो दल बदलू ना हो, क्योंकि आज जो हमारे सामने जो अजब शास्त्री जी है 30-35 साल से वो मात्र बहुजन समाज पार्टी, भलाई उन्होंने 5,000-10,000 जितना वोट लिया मुझे तो नहीं पता, बट उन्होंने कभी पार्टी को नहीं छोड़ा। तो वो उम्मीदवार जनता के बीच में भी रहेगा, ये अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करेगा। ये जो दोनों नेता आए हैं
जो राष्ट्रीय पार्टी के इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए पूरा काम किया है, तो ये नहीं तो वैसा नहीं लग रहा है मुझे, इस कारण मैं इनके साथ जाना चाहूंगा। इस कारण से आप उनके साथ जाना चाहते हो। आगे भविष्य आपको क्या नजर आता है कि भविष्य जो है वारासिवनी क्षेत्र का जो है वो किसके हाथ में सुरक्षित रह सकता है? सर वो तो यही अजब शास्त्री जी अच्छा कर सकते हैं मेरा मानना है। हमारे शास्त्री साहब आज यूनिवर्सिटी बनारस में पढ़ाई की है, इनके जैसा नेता तो हो ही नहीं सकता। आज उन उतने 20 सालों से उन्हें लड़ाई की है, एक मध्यम परिवार से वो थे, आज वो हाई कैटेगरी में करे पढ़ाई करे, और आज जो हमारे नेता थे अच्छे थे, तो आज हमारे गांव-गांव के नहीं सोचे, लेकिन पता है वोटर्स के बारे में सोचे उन्हें कि भैया वोटर्स मेरा यहाँ पे आएगा तो वो करेंगे। लेकिन आज हमारा छोटा सा बच्चा भी आज के डेट में पढ़ा लिखा है, उसके बारे में नहीं सोचा इन लोगों ने। आज हमारे गुड्डा भैया जी खनिज मंत्री थे, आज ये अच्छी खासी फैक्ट्री खोलना था यहाँ पे बालाघाट जिले में, तो हमारे जो बेरोजगार बच्चे है ना आज बेरोजगार के लिए भटके नहीं थे सर, उसको रोजगार चाहिए भाई, उसकी पारिवारिक स्थिति भी अच्छी थी सर। लेकिन पता है इन लोगों ने क्या काम है, कमीशन कहाँ से आएगा क्या देखे उन्हें देखे सर। आज हम नॉर्मल परिवार से हैं, लेकिन हमारे माध्यम से 300-600 परिवार पढ़ रहे हैं सर, लेकिन इनके माध्यम पूरा इंडिया पलता, बस ही सर। क्या मैं वही बात करना चाहूंगा बड़े बड़े नेताओं से, ये क्या कहते हैं वोटर्स को एकदम ऐसा प्रॉब्लम लेते हैं, लेकिन मेरे वोटर से भी यही विनती है कि भाई पहले अपने वाला अपने घर का सोचो और अपनी छोटे जनरेशन का सोचो कि मेरा अभी तो हो जाऊंगा माहौल में, लेकिन मेरा जनरेशन कहाँ जाएगा। बिल्कुल। तो आज वही है कि मेरे को लिखा पढ़ा व्यक्ति चाहिए है बालाघाट जिले में, और उसके जो हमारा नेता है ना अजब शास्त्री साहब आज बनारस में पढ़ाई किए, आज उतना सारा नेतागिरी किए, लेकिन कई पार्टी तो आई होगी सर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन किसी के पास में नहीं गए, वो चाहते थे, उन्हें देखा कि भाई कि मैं अगर यहीं टिका रहूंगा आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल बड़ा तो बनूंगा मैं, तो नेता तो बनूंगा। बस मेरे को वही चाहिए कि मेरे को बालाघाट जिला का उद्देश्य और मेरे जो बोले तो मतलब सारे जो आदिवासी समाज है अब नेता यानी कि अजाबलाल शास्त्री के साथ है पूरा आदिवासी समाज। हाँ सर बिल्कुल, अगर जो आदिवासी हमारे साथ नहीं आएगा तो वो तो बायकट रहेगा, क्योंकि आदिवासी बच्चा जब धरती पे पैदा होता है तो बोलता है कि मैं आदिवासी हूँ मैं गौण हूँ। अगर कोई अगर ऐसा अगर बोले तो उसको मेरे को एक ही टाइम बोल रहा हूँ माइक के सामने, अगर एक गौण होकर अच्छे बाप का होगा तो अगर गोंडवाना संगठन और बहुजन समाज पार्टी को उठ करेगा, अगर जो बाकी होगा ना खत्म, और उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं खबरा, वो हमारे पास नीचे लेगा सर, क्योंकि मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, क्योंकि पता है आज देश को इन लोगों ने बड़े बड़े नेता ने खत्म करके रखे हैं साहब। क्यों कहते, क्योंकि बता हमारा गरीब बच्चा अगर कहीं गिर गया तो उसको वहां पेशाब करेंगे लोग, मुतेंगे हगेंगे, फिर भी बोलते हैं कि भाई हम आदिवासी को साथ में है। आज पता अच्छे से लोग अच्छे से नेता लोग हमारे आदिवासी को सपोर्ट कर लिए, क्यों माहौल दिखाने के लिए, लेकिन भाई आर्थिक स्थिति देखो उसकी, आर्थिक स्थिति घर में जाके की आर्थिक स्थिति क्या है, उसको रोजगार देना था ये लोग। मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर बहुत सारे अत्याचार हुए हैं ये। हाँ सर बहुत सारे अत्याचार हुए सर, अब उसके बारे में तो नहीं बताऊंगा, और सीधी सी एक ही बात बोलूंगा, बड़े बड़े नेता भी अगर मेरी जो भी लैंग्वेज सुन रहे हैं तो उनको एक ही बात कहूंगा मैं, अगर इनको नेतागिरी करना था तो पता है जो हमने जिस गांव को कवर किए उस गांव में कम से कम 10 से 20 लोगों को रोजगार देना था। आज खापा प्लांट हुआ यहाँ पे पूरे नेता लोग शामिल है, बकेरा है वहां पे पूरे शामिल है, तो मैं बोलता हूँ हमारा भरवेली माइंस है यहाँ पे बेरोजगार नहीं लग देते क्या, फिर कटंगझरी माइंस है, रमरमा माइंस है, मेरे लिखे पढ़े तो बच्चे ना उनको नौकरी लगाना था ना सर, क्यों नहीं लगा इन लोगों ने। ये बोलते खनिज मंत्री किसको रोजगार दी भाई, वोटर्स के बस गिनती आ जाती बस। ये सर मैं बोलता हूँ जो बेरोजगार बच्चा है उसको रोजगार देना चाहिए बस, आर्थिक स्थिति उसकी भी मजबूत हो जाएगी सर। मुख्य समस्या जो है वो है बेरोजगारी, और इस गाँव के भी पढ़े लिखे जो आदिवासी युवा है वो यही कह रहे हैं कि अगर रोजगार होता तो वो नेता हमारे लिए बेहतर होता, इतने सालों से वो रोजगार का इंतजार कर रहे हैं, और बहुत सारी गलत तरीके से जो ली गई परीक्षाएं हैं उसमें ये जो बुरी तरह से फंस चुके हैं, वहां पर इनके साथ विश्वासघात हुआ है, भ्रष्टाचार की वजह से जो परीक्षाओं के लिए इन्होंने मेहनत की वो उसका फल उन्हें नहीं मिल पाया। कुछ महिलाएं भी हैं, आदिवासी महिलाएं हैं इस क्षेत्र की, हम उनसे जानेंगे। ये बताइए कि आप लोग
खाना कैसे बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं कि गैस के चूल्हे में बनाते हैं? सर अभी तो क्या कहते हैं, रेट ज्यादा बढ़ गया तो लकड़ी से खाना बना रहे। तो कभी गैस चूल्हा इस्तेमाल किए थे? बनाए थे। कब बनाए थे? ये अभी 5-6 साल हो गए। 5 साल हो गए। 5 साल पहले जब आपको गैस मिली थी, गैस कनेक्शन पहली बार उज्ज्वला गैस कनेक्शन? हाँ जी, 500-700 रुपए रेट था गैस सिलेंडर का। क्या था? अच्छा, उस समय बना जी सर। अच्छा। और तो फिर रेट बढ़ गया तो उसके कारण अभी नहीं भरा रहे। अब गैस नहीं भरा पा रहे क्योंकि महंगाई बढ़ गई। वो महंगाई बढ़ गई, इसके लिए तो अभी मुख्यमंत्री जी ने सर तो ये कई दिन का दिया था ना सर, उसका क्या कहते भी फॉर्म भरने का। अच्छा, तो दूसरे दिन गए तो फॉर्म बंद कर दिए भरना। अच्छा, बता आपको लाडली बहना का मिलता है सर? मिलता है। हाँ सर। तो ये बताए कि फिर उससे गैस भरवाने के लिए तो दिया है वो पैसा? हाँ सर, अपन वो भी कभी कभी घर में यूज कर लेते सर, बच्चों की कपड़े लत्ते खान के लिए। तो अभी गैस नहीं भरा पा रहे हैं महंगाई की वजह से। जी सर, बहुत महंगा हो गया सर गैस भरना। और बाकी महंगाई नहीं है ना? बाकी भी महंगाई है सर। बाकी भी है जी सर, बाकी महंगाई भी है सर। उसकी वजह से क्या है, उतना सा पैसा क्या होता है सर, गैस अगर हम लोग 10-11 सौ में भर ले और फिर बाकी की सामान भी तो लगती है ना सर। अच्छा, क्या क्या खरीद के लाते हैं? बाहर से तो सभी सामान खरीद के लाते हैं सर। आप लोग खेती करते हैं तो कुछ तो होता होगा घर में? खेती भी तो थोड़ी सी है सर। अच्छा, तो क्या क्या खरीदना पड़ता है? क्या क्या खरीदना? दाल चावल और किराना में सभी सामान सर। सभी सामान जी। महंगा क्या है? महंगा तो सभी सामान है सर। सभी महंगा है? जी सर। कितना महंगा, मतलब पहले सस्ता था? पहले थोड़ा सस्ता था और अभी ज्यादा ही महंगा हो गया। ज्यादा ही महंगा जी। हो गया। कब से ये महंगाई बढ़ी है आपको लगता है? कब से महंगाई बढ़ी है ये? वो भी हो गए 4 साल हो गए सर। 4 साल हो गए। हाँ। 4 साल के आसपास से महंगाई बढ़ी, ज्यादा दिख रहा है। ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा, तो ये फिर आपका जो बजट है घर का, जो खर्चा है वो जम बनता है, ठीक ठाक हो पाता है कि दिक्कत होती है? कैसा मैसा बना लेते हैं सर। नहीं तो मतलब कुछ कमी करते हैं खाने पीने में? सर थोड़ा कम भी कर दो घर के मामले में, खाने पीने में। अच्छा, थोड़ा सा कटौती कर लेते हैं सर, महंगाई से अगर मुकाबला करना है। ये थोड़ा डाल दिए सब्जी में तेल। अच्छा, दाल है तो उसमें जीरा मिर्च फ्राई कर दो, तेल ना डाले, ऐसा करते हैं सर। महंगाई बढ़ गई तो तेल फूल सब डाल में। तो फिर त्योहार वगैरह मना पाते हैं क्योंकि अब तो त्योहार भी आ रहा, दिवाली की दिवाली आ रहा है, तो फिर कैसे करेंगे जब इतनी महंगाई है? तो ये पकवान वगैरह बनेंगे कि नहीं? बनेंगे सर, कैसे नहीं बनेंगे सर पकवान। क्या क्या बनाते हैं दिवाली में? वो हमारे यहाँ बनाते हैं गुंजे, पूरी भजे। अच्छा, बनाते हैं सर पूरी भजे बनाते हैं सर। ज्यादा आप लोग ज्यादातर कौन सी चीज खाते हैं? अच्छा, जो पसंद करते हैं बच्चे, ऐसी कौन सी चीज? मीठा चीज है ये, भजे गुंजली है, ऐसे बनाते हैं सर। अच्छा अच्छा, और क्या क्या आप बता रहे थे, कौन सा पकवान बता रहे हैं आप? सर हमारे यहाँ पे जैसे हम आदिवासी लोग हैं, तो जो हमारा मुर्गा होता है, जैसे हमारे दो देवदान को मानते हैं, आदि जो पूजा होती है इसको हम मुर्गा देते हैं सर। अच्छा। हाँ, उसमें ये क्वालिटी भी होती है, जैसे लाल मुर्गा सफेद मुर्गा। अच्छा। ये होता है। और जैसे आज जैसे आप अभी गैस के बारे में बोल रहे थे, तो मैं ये चीज बोलूंगा, क्योंकि जब से हमारी बीजेपी सरकार आई, अच्छा सा काम करी उनने, लेकिन क्या है, करी तो अच्छा करी, लेकिन पता है जीएसटी लागू कर दी। जीएसटी में पता है आज जब हम कपड़ा लेने जाते हैं सर, वहाँ पे एक जैसे 1,000 का कपड़ा लेते हैं, उसके ऊपर का जीएसटी लगना चाहिए सर, लेकिन हमको नीचे का लग जाता है। ओके, उसके बाद में पता है जो मेरे बेरोजगार बच्चे हैं, आज जितने इन्होंने फॉर्म भरे थे, लेकिन उनका लाइन ही लगता, पहले से लाइन लग जाती सर। ओके हाँ, तो ये चीजें सरकार से यही बोलना है मेरे को, अगर जो भी सरकार बने, लेकिन पता है हमारे बच्चे लोग, जब हमारा आने वाला भविष्य जो आज 34 साल का है, 35 साल के बाद में उसकी एज नहीं होती नौकरी में लगने की। आज कितने सारे पटवारी इसमें वो भर्ती होने वाले थे, आज कोई बेवड़ा बना, कोई पागल हो गया, क्योंकि वो भी मेहनत किया ना सर, क्योंकि वो लत लगी थी कि मेरे को नौकरी 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 चाहिए। आज मोदी सरकार से ही रास्ता दिखाया है कि नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन उससे भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनको संभालना पड़ेगा, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि मैं अच्छा खासा रेगुलर की नौकरी में जाऊं, पढ़ाई इसलिए करता है बच्चा।
आज अपने बच्चे को भी बोलूंगा मैं कि एकदम नेटवर्क की मजा तो नहीं आएगा सर, लेकिन पता है जो सरकारी नौकरी में ज्यादा सुरक्षा रहती है। हाँ। इस कारण से ये बात तो सही है कि सरकारी नौकरी हर कोई चाहता है और साथ ही वो अपने जो भविष्य की है वो सुरक्षा भी चाहता है। इस गांव के साथ भी कुछ ऐसा ही दर्शकों, इस गांव में महिलाओं ने बताया कि बहुत ज्यादा महंगाई है खाने पीने में, अब वो कटौती करने लगे हैं। निश्चित रूप से ये इस गांव के हर घर का हाल है और यहाँ पे चूंकि आज ये एक त्यौहार की वजह से यहाँ इकट्ठे थे और इकट्ठे ही हमको एक साथ सब लोग मिल गए। आदिवासी गांव है मंगेझरी का, ये आदिवासी टोला है और इस गांव के लोगों का मूल रूप से यही मानना है कि नेता ऐसा हो जो रोजगार उपलब्ध करा सके, जो सरकार ऐसी हो जो जो विद्यार्थी हैं उनको सही शिक्षा उपलब्ध करा सके। मंदिर की जरूरत नहीं है बल्कि शिक्षा की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, ये यहाँ के लोगों की मुख्य मांग है। इस बार मुख्य मुद्दा रोजगार है। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातें यहाँ के लोगों ने कही है जो आपने सुनी, निश्चित रूप से इस गांव का मूड आप समझ चुके होंगे। तो जनमन की बात के इस कार्यक्रम के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैमरा पर्सन अंकित सरकार के साथ मैं सुधीर कुमार।